Now we shall be talking about the preparation of alkenes from alkyl halides. Okay. So let's talk about the preparation of alkenes from alkyl halides. Sure. जब अल्काइल हैलाइड्स से प्रिपरेशन की बात करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, ऑलमोस्ट एवरी कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स. तो अल्काइल हैलाइड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट फॉर अस टू प्रिपेयर द कंपाउंड्स. ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स की. अलग अलग रिएजेंट्स हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स से प्रिपेयर करने के लिए, और हमारे पास अलग अलग तरह के अल्काइल हैलाइड्स हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है ऐसा, ठीक है, दिस अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड द जेमिनल डाई हैलाइड. अ जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है. इस जेमिनल डाई हैलाइड को अगर हम 4 सोडियम के साथ ट्रीट कर दें, 4 सोडियम एटम्स के साथ, यानी कि जितना हमने डाई हैलाइड लिया उसका 4 टाइम्स अगर हम सोडियम ले लें, देन इट कैन रिएक्ट इन अ सिमिलर रिएक्शन एज द वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन की जैसे ही, जैसे वुड्स रिएक्शन के अंदर 2 अल्काइल हैलाइड्स आपस में जुड़ के अल्केन बना देते हैं ना, यहां पे 2 डाइहैलाइड्स जुड़कर ये पूरा निकल जाएगा, यहां पे हमें ये मिल जाएगा, ये 4 NaX निकल जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू गेट द जेमिनल डायहैलाइड इज केपेबल ऑफ गिविंग अस एन एल्कीन. ठीक है, फर्दर हमारे पास है एडजेसेंट कार्बन पर, 7 वाले कार्बन पर, ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज द विसिनल डाई हैलाइड. दिस इज अ विसिनल डाई हैलाइड. बेटा एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हैलोजन लगे हुए, यहां पे एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए. विसिनल का मतलब भी पड़ोसी होता है, विसिनिटी, ठीक है. यहां पे सेम कार्बन पे दोनों हैलोजन है, यहां पे एडजेसेंट कार्बन पे दोनों हैलोजन है. अगर इसको भी हम जिंक या फिर सोडियम के साथ ट्रीट कर दें, अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सोडियम यूज करते हो तो आपको सॉल्वेंट ईथर लेना पड़ेगा, अगर जिंक यूज कर लेते हो तो आपको सॉल्वेंट अल्कोहल से काम चल जाएगा. बस यह है कि जिंक के साथ रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है, सोडियम के साथ रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होता है. तो हर जगह प्रोज एंड कॉन्स वाली बात है कि क्या आप करना चाहते हो. तो यहां पर हमारे पास जिंक या सोडियम हो सकता है, एंड वी एंड अप विद द एल्कीन, ठीक है. ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट रिएक्शन. हमारे पास है एक नॉर्मल हैलाइड, मोनो हैलाइड है सीधा सीधा, ठीक है. जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा हुआ है, यानी कि दिस इज द कार्बन विच कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन. आई बिलीव आपको बताया था मैंने अल्फा और बीटा के बारे में, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज द अल्फा कार्बन, ठीक है. इसके लिए एडजेसेंट कार्बन इज द बीटा कार्बन, एंड क्वाइट ऑब्वियसली दिस बिकम्स द बीटा हाइड्रोजन. ओके, अब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ. अब यहां पर बेस क्या होगा, यहां पे हम नॉर्मल बेस की बात नहीं करते, हम थोड़े से स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं. स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास काफी सारे हो सकते हैं. यहां पे सोडियम अमाइड हो सकता है, NaNH2 हो सकता है, सोडियम एल्कोक्साइड हो सकता है, सोडियम इथॉक्साइड मिथॉक्साइड हो सकता है, ठीक है.
या फिर हम यूज करते जो मोस्ट ऑफन जो मेटीरियल यूज किया जाता है वो होता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एक्चुअली हमारे पास रिएक्शन जब होता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्ट करता है C2H5OH के साथ, दैट इज द अल्कोहल हियर। किसको? इसके रिंग को। ओ तो ये दे देता है हमें KOC2H5, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस क्या होगा H2O, यहां पे बन जाएगा C2H5O-। और जैसे कि हम लिस्ट बना चुके हैं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की, C2H5O- इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH-। ठीक है, बेस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आई बिलीव इसमें यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे एलिमिनेशन रिएक्शन है। रिएक्टेंट के अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जीरो था, प्रोडक्ट के अंदर एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, रिएक्टेंट में हमारे पास एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, सो ऑल दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो बेस है ये हाइड्रोजन को निकालता है और ये हैलोजन को निकाल देता है, तो यहां पर हमें मिल जाता है C डबल बॉन्ड C प्लस HX। नाउ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा और बीटा से निकल गया ये। ओके, एंड ऑब्वियसली यहां पे हाइड्रोजन और हैलोजन लगा निकला है, तो दिस रिएक्शन इज व्हाट वी टर्म एज डी हाइड्रो हैलोजनेशन। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज डी हाइड्रो हैलोजनेशन। पापा का फोन, C2H5 तो अल्कोहल था ना जिसको रिएक्ट करके हमने ये बनाया अल्कोक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा इक्विलिब्रियम की बात है ना, जहां पे भी जो चीज ज्यादा होती है वो कंज्यूम हो जाती है, जो चीज कम होती है वो बन जाती है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास पानी नहीं है, हमने इथेनॉल के साथ अल्कोहल ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली जो कम है वो बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ओके, हाँ अच्छा।
इससे ज्यादा अच्छा साफ होता है इसलिए। ओके छोटा सा एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2CH CH3 and let us say here it is Cl, ठीक है, हम इसे ट्रीट कर देते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इसे कर देते हैं हीट। ओके एक द प्रोडक्ट मेक द प्रोडक्ट देख के निकतार हो जाएगा तो हाँ जी आंसर बेटा एक बात देखो सुनो अभिमन्यु बेटा अभिमन्यु एक बात देखो हमने एक एच के साथ सीएल निकालना है आपने दो एच तीन एच कैसे निकाल दिए देखो जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर हमें मिल सकता है एक तो CH3 CH2 CH CH2 ठीक है और एक और कंपाउंड हमें मिल सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 दोनों मिल सकते हैं दीज आर द टू कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड क्योंकि हमें एक H और एक X निकालना है HX डीहाइड्रोहैलोजनेशन क्लियर तो या तो हम ये वाला H और ये वाला Cl निकाल सकते हैं ये देखो ये वाला अल्फा कार्बन है तो ये वाला बीटा कार्बन है ये वाला बीटा कार्बन है तो हमारे पास दो बीटा हाइड्रोजन भी तो है दो बीटा पांच बीटा हाइड्रोजन है उनमें से कोई भी एक निकाल सकते हैं हम कोई भी एक इज दैट क्लियर ठीक है अब मुझे एक छोटा सा सवाल बता दो ये और ये इसमें से ज्यादा कौन सा बनेगा देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब लोग पढ़ रहे होते हैं ना तो उसमें लगता है कि इसमें है क्या कंफ्यूजन कहां है गलती कहां है होती क्यों है गलती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द इजिएस्ट पार्ट लेकिन जब क्वेश्चन करने पे आते हैं तो देन दे डू द क्वेश्चंस विद कंप्लीट कन्विक्शन 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो गड़बड़ कर जाती है जैसे कि यहां पर एक सवाल है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बनेगा हाँ ऑफकोर्स तो यहां पे दो बीटा कार्बन है और पांच बीटा हाइड्रोजन है ऋषि का ढूंढ क्या रहे हो ये बताओ पहले गुड क्या वर्ड तुमने यूज किया स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी किसकी ढूंढनी है हमें किसकी स्टेबिलिटी ढूंढनी है बल्क प्रोडक्ट हमारे पास क्या है कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है अल्कीन
तो एल्गीन की स्टेबिलिटी हमें ये देखना पड़ेगा डबल बॉन्ड कितना स्प्रेड है, और यहां पे हम कौन सा फैक्टर देखेंगे, स्प्रेडिंग में स्टेरिक फैक्टर कहां आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट एल्कीन के लिए कौन सा फैक्टर देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर तुम देखोगे तो किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, फर्स्ट या सेकेंड में, हाइपर कॉन्जुगेशन में यू हैव टू काउंट अल्फा हाइड्रोजन, जब मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं दैट के सेकंड वन इज गोइंग टू हैव सिक्स अल्फा हाइड्रोजन जबकि फर्स्ट वन हैज ओनली टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो सेकंड एल्कीन इज मोर स्टेबल, तो सेकंड एल्कीन वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। दिस रूल इज टर्म्ड एज सेट्ज़ेफ रूल, याद आया, whenever there is a possibility of formation of two isomeric alkenes then the more alkylated alkene is the major product, any kind of confusions here, that is what we term as the Zaitsev rule. Elimination reaction mein ek se zyada product bante hain, aur elimination reaction mein jab ek se zyada product bante hain then in that case what we are talking about is ki temperature agar badhate ho to what entropy favored reactions zyada aasani se ho jate hain, is that okay, to high temperature favors elimination reaction. Okay, so we can convert the alcohol into alkene by dehydration. Dehydrating agent is concentrated sulfuric acid. We can heat with concentrated sulfuric acid to prepare alkene. ठीक है, कोई दिक्कत? Okay. So that's what we have as the dehydration reaction. Now, ye tha preparation from alcohols. Now we are going to talk about the preparation of alkenes from aldehydes and ketones. ठीक है? अभी जो aldehydes और ketones से reaction है, this is a reaction which is generally not considered in your course. Okay, this as such is not in your course. लेकिन जो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट होंगे ना वो ये रिएक्शन लाके दिखाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि तुम इस रिएक्शन को याद करो, ज्यादा समझने की कोशिश भी मत करो, बस ये है कि जब कोई आके दिखाए ना तो उसको ये बोलते हैं हाँ हाँ पता है ये रिएक्शन होता है, हमें नहीं करना. ठीक है ना, कई बार हमें ये भी जानना जरूरी हो जाता है क्या हमें नहीं करना. ओके, यहां पर we are going to use this particular thing और यहां पर हम use कर रहे हैं C double bond P PH3. ठीक है, triphenyl phosphine triphenyl phosphonium alkylide. ठीक है, इट्स कम समथिंग लाइक alkylide. ठीक है, triphenyl phosphonium alkylide. ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करवाए जाते हैं और इसे रिएक्ट जब करवाया जाता है तो इट गिव्स अस एन एल्कीन अलोंग विद पीएच थ्री पी ओ, दिस इज ट्रिस
or rather triphenyl phosphonium oxide. This is triphenyl phosphonium oxide. Quite confusion? Quite problem? Okay. So that's what we have as the reaction. This is the preparation from aldehydes and ketones. Okay. Now, when we talk about carboxylic acid, we have already done carboxylic acid preparation. Okay. बाकी जो प्रिपरेशन होती नहीं है तो इंपॉर्टेंट थिंग हमने अभी अभी एल्कीन्स के प्रिपरेशन खत्म कर लिए ठीक है वी हैव जस्ट फिनिश्ड ऑल विद द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स ओके नाउ वी कैन टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन्स एल्कीन्स के चलो पहले रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स कर लेते ओके चलिए लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विच आर सिमिलर टू एल्केन्स और एल्केन का हमने एक ही रिएक्शन किया तो कंबशन तो हो ही जाता है एल्कीन्स का लेकिन एल्कीन्स के अंदर कार्बन कंटेंट एज कंपेयर टू एल्केन ज्यादा होता है और एल्काइन्स में कार्बन कंटेंट एज कंपेयर टू एल्कीन और एल्केन दोनों से ज्यादा होता है क्योंकि जहां जहां आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाते जाओगे हाइड्रोजन कम होता चला जाएगा कार्बन बढ़ता चला जाएगा तो इस वजह से अगर एल्काइन को अगर आप बर्न करते हो जिसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो उसकी सूटी फ्लेम आ जाती है तो काले रंग की धुआं उठता है उसमें अगर आप अगर मार्केट अगर तुम अपनी लैब में से एक ड्रॉप बेंजीन ले लो एक ड्रॉप बेंजीन ज्यादा नहीं लेनी होती एक ड्रॉप बेंजीन लेके उसको इग्नाइट कर दो इतना काला धुआं निकलता है पूरी की पूरी चाइना डिश जिसके अंदर तुमने रखा होगा पूरी काली हो जाती है अल्टीमेट सूटी आता है वो धुआं क्योंकि बेंजीन के अंदर कार्बन कंटेंट और भी कम है वो C6H6 है ठीक है और इथेन की अगर बात करो C2H6 है अगर हम अपने घर की बात करते हैं घर के अंदर एलपीजी हम यूज करते हैं दैट इज एल्केन उसका सूटी फ्लेम नहीं आती क्वाइट ऑब्वियसली वहां पे एक और बात भी है कि हम उसके अंदर एयर काफी फ्लो होता है अगर तुम उसका बर्नर को नीचे देखोगे ना तो बर्नर नीचे से हॉलो है हॉलो होने की वजह से जब वो गैस ऊपर जाती है गैस और बर्नर के बीच में एक गैप है उस गैप के अंदर दैट गैस गेट्स दैट मिक्स्ड विद एयर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फिर ठीक है इसलिए ब्लू फ्लेम आती है क्योंकि एयर का कंटेंट काफी ज्यादा होता है अगर हम एसिटिलीन की बात करते हैं एसिटिलीन के साथ हाई टेम्परेचर जब बर्न करता है लेकिन एसिटिलीन के साथ फिर ऑक्सीजन यूज किया जाता है टू गेट ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम अगर आप नॉर्मल एयर यूज करने की बात करोगे एसिटिलीन के साथ तो इस एसिटिलीन का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा एंड इट्स गोइंग टू अगेन गिव अ सूटी फ्लेम ठीक है ओके चलिए तो कंबशन तो खैर ठीक होता ही है अब लेट्स टॉक अबाउट द एल्कीन्स ठीक है ओके लेट अस टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एल्कीन एल्कीन इज यहां पर सी है यहां एच है और यहां पर C डबल बॉन्ड CL ठीक है लेट्स से वी हैव द हाइड्रोजन हेयर एज वेल ठीक है अब कुछ बातें ध्यान से सुनो और समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आई हैव टू एक्सेप्ट लर्निंग है इनफैक्ट केमिस्ट्री में लर्निंग है बहुत ज्यादा तो नहीं है पर लर्निंग तो है अब जैसे कि कुछ नाम है नाम की अगर मैं बात करता हूं तो नाम तो याद ही करने पड़ते हैं आईपीसी नेम चलो आप डेराइव कर लोगे लेकिन डेराइव करने के लिए भी याद करना पड़ता है यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां पर हमारे पास दो तरह के हाइड्रोजन है दो तरह के हाइड्रोजन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक हाइड्रोजन ऐसा है दो हाइड्रोजन ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है ठीक है ऑन द अदर हैंड ये वाला हाइड्रोजन ऐसा है जो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है ठीक है द हाइड्रोजन अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड
विनाइलिक हाइड्रोजन इज कॉल्ड विनाइलिक हाइड्रोजन. ठीक है. On the other hand, the hydrogen attached to the carbon, adjacent to the carbon of the double bond, is called allylic hydrogen. ये allylic position है, तो hydrogen भी allylic हो गया. ठीक है. ठीक है. That's what we have as allylic and vinylic hydrogens. ठीक है. अब अगर मैं allylic hydrogen की बात करता हूं और vinylic hydrogen की बात करता हूं, तो ये एक देखने में तो सीधे सीधे हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है. Vinylic hydrogen are extremely low reactive और allylic hydrogen are extremely reactive. ठीक है. उसका बहुत सीधा सीधा रीजन है. सबसे पहला रीजन तो ये है कि यहां पे जो हाइड्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच्ड है. एस कैरेक्टर जितना हाइब्रिडाइजेशन में बढ़ता चला जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती चली जाती है. तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है. पहली चीज तो ये कि इस कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है. ठीक है. और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसमें sp3 हाइब्रिडाइज है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है. और दूसरी बात, यहां से अगर इस हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो या तो क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा या फिर कैटायन बनेगा या फिर एनायन बनेगा. तीनों में से कुछ भी बन सकता है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों ही कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है. यहां डबल बॉन्ड आ गया ना, ये सिंगल बॉन्ड है. अब इसके बाद यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एम्प्टी ऑर्बिटल हो या लोन पेयर हो, तीनों ही केस में ये कॉन्जुगेट कर जाएगा. ठीक है. तो इस वजह से ये वाला हाइड्रोजन निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा, एनर्जी हमें उतनी कम लगानी पड़ेगी ना. इज दिस क्लियर? अब अगर इस कंपाउंड को, ये जो सामने हमारे पास कंपाउंड है, इसे अगर हम X2 के साथ ट्रीट कर दें, और जब हम X2 की बात करते हैं, वेरी ऑब्वियसली दिस X2 इज Cl2 और Br2. ठीक है. इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, देन दिस स्पेसिफिकली अटैक्स हेयर X2. Cl2 Br2, तो इट इज स्पेसिफिकली गोइंग टू अटैक ऑन द एलाइलिक पोजिशन. मैकेनिज्म वही है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन वाला. एंड वी आर गोइंग टू एंड अप विद ठीक है. अच्छा, हमारे पास कुछ खास रिएजेंट्स हैं, खास रिएजेंट्स जो कि सिर्फ एलाइलिक पोजीशन पे अटैक करते हैं. ओके. अब वो सिर्फ एलाइलिक पोजीशन पे अटैक करने वाले रिएजेंट्स कौन से हैं? एक रिएजेंट है जिसे हम बोलते हैं SO2Cl2. दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूराइल क्लोराइड. ठीक है. अब ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड क्या करेगा? क्वाइट ऑब्वियसली सेम चीज, यहां पे लगा देगा Cl. ठीक है.
इसके अलावा हमारे पास एक और कंपाउंड है, इसे कहा जाता है इन शॉर्ट NBS। स्ट्रक्चर इसका ये है CH2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NBR। ओके, इसका अगर नाम लिखे NBS, नाम कहां से आया, तो इट इज कॉल्ड N ब्रोमो सक्सीनीमाइड। N ब्रोमो सक्सीनीमाइड, कोई कंफ्यूजन सर? कोई ऐसा भी जो विनालिक भी करता है? विनालिक को कोई नहीं करता बेटा। सर आज इसी पे ठीक है। पता, तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो कि मैंने पूछा कि भाई ऐसा है कि अगर एक लड़की और एक बंदरिया है तो तुम किससे शादी करोगे? हाँ, तो वो ये पूछ रहा था, ऐसा कोई है जो सिर्फ बंदरिया को चूज करेगा? इसे आपने बोला था कि हाँ हाँ बिल्कुल वही सवाल है। ऐसे भी है? नहीं, वही सवाल था बेटा, वही सवाल था। तुमने एग्जैक्टली यही पूछा कि ऐसा कोई आदमी भी है जो बंदरिया को चूज करेगा शादी करने के लिए। आपने फिर जवाब भी दे दिया। Is that okay? Now this N-bromo succinylamide अगर हम use करते हैं, then in that case, of course, बात वही है, वहां पे same जगह पे जहां पे halogen आना चाहिए था, वहां पे अब ये bromine आ जाएगा। So this is what we have as N-bromo succinylamide. Clear? Now these two are specifically allylic substituting reagents. ये allyl position पर react करते हैं। ठीक है? कुछ पूछना है इसमें? ऑब्वियसली हाइड्रोजन हट के हैलोजन लग रहा है ना उसकी जगह। चलो एक छोटा सा रिएक्शन तुमसे पूछ लेता हूं, अ सिंपल नाइस क्वेश्चन। हमारे पास है ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, नाउ वी ट्रीट इट विद एक्सेस NBS, और एक्सेस NBS कर लो या कह लोगी 2 मोल NBS। ठीक है, अब इसके बाद हमें पास एक प्रोडक्ट मिलता है और इस प्रोडक्ट को हम ट्रीट कर देते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ विद हीट। ठीक है, प्रोडक्ट बता दो, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड? गलत, दैट्स नॉट द प्रोडक्ट। हाँ भाई, प्रोडक्ट क्या है? नाम नहीं याद आ रहा तुम्हें इस प्रोडक्ट का? हाँ भाई, अभी मैंने प्रोडक्ट का नाम क्या है? एक मिनट, दोबारा बोलो। पहली बात यार, तुम कब सीखोगे? ब्रोमो इज अ साइड चेन, तो एक ब्रोमो इज अ साइड चेन, उसका नाम तो सबसे पहले आएगा ना, वो बीच में क्यों घुसा दिया? नहीं, उसने लिखा, मैं नाम की बात कर रहा हूं, नाम गलत दे रहे हो तुम। जो आप नाम दे रहे हो दैट शुड बी 1,4-diBromo, 1,4-diBromo भी क्यों होगा, दैट वुड रादर बी
3,6 डायब्रोमो साइक्लोहेक्सीन जो आपने बनाया है, ठीक है। चलिए जरा अब हम प्रोडक्ट के नाम देखें, प्रोडक्ट का अपीयरेंस देखें। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहां पे हमें ये देखना है कि विच ऑफ देम इज द एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक पोजीशन कौन सी है। यहां पे दो एलाइलिक पोजीशंस है, ये वाली भी एलाइलिक पोजीशन और ये वाली भी एलाइलिक पोजीशन, और मैंने दो मोल लिखा है तो यानी कि दोनों पोजीशन से रिएक्ट करेगा। ओ क्या मतलब है, हाँ तो प्रोडक्ट बन गया, अब बन गया मतलब कि आपके पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है दैट इज बी आर हेयर एंड बी आर हेयर। ओके नाउ व्हाट नेक्स्ट, एक ब्रोमीन तो हटाओ, दैट्स द आंसर। मुझे वो नहीं पता था कि तुम्हें करेंगे, एक्सेस नहीं पढ़ा था। लिखा तो है, दो बार बोला एक्सेस टू मोल्स, एंड देन यू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफिकल्ट। किस बात की डिफिकल्ट है बताओ इसमें, तुमसे कहा जा रहा है कि तुम साइकिल चलाओ, साइकिल चलाने के लिए तुम्हें सीधे बैठ के पैडल मारना है। अब तुम सीधे बैठ के पैडल उल्टे मार रहे हो, गिर रहे हो, फिर खड़े हो तो फिर उल्टे पैडल मार रहे हो, फिर गिर रहे हो। साइकिल चलाना बड़ा डिफिकल्ट है यार, सीधे पैडल मारना। मेहनत से गलती करोगे तो कोई ऐसा थोड़ी कि वो गलती नहीं कहलाएगी। अगर आपसे कोई कहे कि चाय बना लो, चाय की पत्ती चीनी पानी दूध डाल के, अब तुम क्या कर रहे हो, चाय बनाने के लिए पानी तुम लेकर आ रहे हो माउंटेन्स ऑफ हिमालय से, उसके डीप पिट में जाके मडी वाटर लेकर आ रहे हो, गंदा पानी लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब गंदा पानी लाके तुमने उसमें डाल दिया, फिर उसके बाद तुम उसके अंदर डालने के लिए दो चार हरी मिर्च शिमला से, वो क्या कहते हैं ना कि नागपुर से जाकर तीखी वाली भूत मिर्ची लेकर आ रहे हो, उसे भूत मिर्ची बोलते हैं, हाँ भूत नहीं भूत मिर्ची ला रहे हो, फिर तुमने चाय में वो भूत मिर्ची डाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा आटे की चम्मच उठा के डाल दी, फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह गर्म किया, और फिर किसने कहा ये क्या बनाया, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, तुमने तो बहुत मेहनत की है, बट क्यों की। अब यहां पे आपका क्या होगा, यहां से H निकलेगा, यहां से Br निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से Br निकलेगा, एंड द सिंपल प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट इज प्यारा प्यारा 1, 2, 3 बेंजीन, खत्म। समझ आ गई बात, दैट्स अ रिएक्शन। नाउ दैट्स वन ऑफ द रिएक्शंस। नाउ ये रिएक्शन एल्केन जैसा है, यहां पे ये डबल बॉन्ड का रिएक्शन नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड की वजह से हुआ है, क्योंकि ये वाला जो रिएक्ट, ये जो पोजीशन है, इसका रिएक्टिव बनाने का काम डबल बॉन्ड ने किया है, ठीक है। ये जो NBS है, SO2Cl2 है, दे डू नॉट अटैक द नॉर्मल एल्केन, ये इस पोजीशन पे अटैक करके इस पोजीशन पे रिएक्ट नहीं कर सकता, ये एलाइलिक पोजीशन नहीं है। इज दिस क्लियर, समझ आ गई बात। ओके नाउ ये हमारे पास हो गया द डिफरेंट थिंग्स। अब आ जाते हैं हम ऑन द रिएक्शंस ऑफ द डबल बॉन्ड, और हां अब जो हम करने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इसलिए है कि आप छोटी सी चीज मिस कर जाते हो, अरे हमें आता है, और फिर सब गड़बड़ हो जाता है, फिर डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, जब मैं बात कर रहा हूं एल्कीन की,
तो एल्कीन क्या होता है, इसका एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है? अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात तो कर नहीं रहे, एल्कीन की वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्कीन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इस एल्कीन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें और ऐसे बनाने की बात करें, तो ये हमारे पास एक बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बॉन्ड हमने बाहर की तरफ ले लिया, ये अंदर की तरफ जा रहा है। एल्कीन प्लेनर है, इसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूलर प्लेन है, इस कार्बन के अराउंड यहां तक। अब इस एल्कीन के बना रहा हूं बेटा, बना रहा हूं, वो डबल बॉन्ड, एक ऊपर है क्लाउड, एक नीचे क्लाउड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने, इट इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू कार्बन। भाई देखो यहां पे जो ग्रुप्स लगे हैं उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों कार्बन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर एनवलप्ड है, सैंडविच्ड है। अगर किसी को भी कार्बन पे अप्रोच करना है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के थ्रू जाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड वेरी ऑब्वियसली इज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड वेरी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच है, देन इन दैट केस कोई ऐसी चीज जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है वो इस डबल बॉन्ड को अप्रोच नहीं कर सकती। अगेन अ स्लैंग वर्ड, केमिस्ट्री इज नॉट गे, ठीक है। तो इस एल्कीन के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज अप्रोच कर सकती है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, या तो एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर जाएगा इसको, या फिर एक रेडिकल अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल और अ रेडिकल। The reaction of an alkene can be initiated by an electrophile or a radical, but not by a nucleophile. तो एक nucleophile alkene पर पहला attack नहीं कर सकता। कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, समझ आ गई ना बात, बहुत ढंग से समझ में आ गई, ठीक है। ये बात फिर से वही बात है, छोटी छोटी बातें याद रख लोगे सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ओके। तो चलिए अब हम एल्कीन के रिएक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है, देखो रिएक्शन इनिशिएट अगर इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो एंड न्यूक्लियोफाइल करेगा, ठीक है। अगर रेडिकल इनिशिएट करेगा तो रेडिकल एंड करेगा, दैट्स व्हाट वी ऑलरेडी नो। तो चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे, ओके। एंड द रिएक्शन दैट वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। कुछ याद आया क्या? ओके, अब तक हम क्या कर रहे थे, गप्पे, कोई बात नहीं, ठीक। ओके, टॉक लेते हैं इसके साथ। दिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस रिएक्शन, ओजोनोलिसिस रिएक्शन की अगर हम बात करें, हम बात करते हैं समथिंग कॉल्ड ओजोन। नाउ ओजोन इज O3। जब इस O3 स्ट्रक्चर की बात करें तो O3 इज लाइक दिस, O O O, ठीक है। यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर हम नेगेटिव और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव लगा सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, जहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर
ऐसे आ जाता है, दैट्स ओजोन, ठीक है। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कुछ ऐसा भी बन सकता है, मुश्किल है लेकिन बन जाता है, दैट इज ओ ओ ओ, ये पॉजिटिव और काइंड ऑफ ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। मतलब कि ये बॉन्ड यहां से क्लीव हो जाए, इस पे आ जाए, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक अल्कीन है, इसे हमने रिएक्ट करवाया ओजोन के साथ, ठीक है। जब हम इसको ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ओजोन यहां पर ऐसे है, फिर इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, ठीक है। अब होता क्या है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां आता है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां आता है, ठीक है। ये बॉन्ड इधर क्लीव हो जाता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो एक्सीड तो हो नहीं सकती ना, यहां पे जब इसके पास आता है तो यहां पे नेगेटिव भर जाता है, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले किसने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने, अब कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, एंड वी आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। This is called a malonide structure. Oxygen-oxygen single bond बहुत weak होता है. Peroxide के अंदर हमने discuss किया था, oxygen-oxygen single bond काफी weak होता है, टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है। यहां पर तीन oxygen एक line में है single bond से, very unstable. ये bond cleave होता है, ये carbon carbon का बीच का bond टूट जाता है, और ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अक्सर लोग कार्बन की वैलेंसी 5 बना देते हैं, ये बीच वाले बॉन्ड को तोड़ना भूल जाते हैं और फिर सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ये बीच वाला बॉन्ड टूटता है और ये बना देता है सी, और यहां पे लग जाता है ऑक्सीजन। Now this is what we call as ozonide. हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमें कोई फायदा नुकसान नहीं, ये होता है, इससे ज्यादा स्टेबल है ये, बट ये भी काफी अनस्टेबल है, ये भी एक एक्सप्लोजिव मटीरियल है, ठीक है। अब अगर हम इसमें डाल दें पानी, तो ये यहां से क्लीव होता है, ऐसे क्लीव होता है, और ऐसे क्लीव होके ये हमें दे देता है एक कार्बोनाइल ग्रुप, ये दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप अलोंग विद H2O, ठीक है। This is mixture of carbonyl compounds. Carbonyl compounds का मतलब है aldehydes and ketones, ठीक है। अब अगर इन दोनों में से कोई aldehyde है, अगर दोनों ketone है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई aldehyde है, if we have aldehyde,
Now this aldehyde is going to react with hydrogen peroxide and convert to carboxylic acid. ठीक है? तो अगर ओजोन इस तरीके से किया गया तो हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, हमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा. अगर दोनों कीटोन बन रहे तो कीटोन में कोई दिक्कत नहीं है, वो बनके रुक जाएगा. ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड इसको करने का तरीका थोड़ा सा हम बदल देते हैं. हम क्या करते हैं, यहां पे जब पानी डालते हैं ना हम पानी, तो इस पानी के साथ हम जिंक डाल देते हैं. अब ये जिंक क्या करता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएगा और कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने के साथ साथ ये जिंक ऑक्साइड बना देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनेगा. अब अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बना तो यहां पे जो रिएक्शन में एल्डिहाइड बन रहा है, ये एल्डिहाइड फर्दर कंज्यूम नहीं होगा एंड वी आर गोइंग टू गेट विद द मिक्सचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स ओनली, वी डोंट गेट एनी एसिड. ठीक है, फाइन. और अगर हमारे पास एक और भी तरीका है, यहां पे तो हमने अगर एक्वस मीडियम यूज कर रखा तो हम वाटर डाल देते हैं. अगर हम यहां पे ऑर्गेनिक मीडियम यूज कर रहे हैं, नॉन पोलर मीडियम यूज कर रहे हैं, तो हम एक चीज यूज करते हैं जिसे बोलते हैं डीएमएस. डीएमएस स्टैंड्स फॉर डाई मिथाइल सल्फाइड. ठीक है, अब जब हम डायमिथाइल सल्फाइड की बात करते हैं तो डायमिथाइल सल्फाइड का स्ट्रक्चर है CH3 होल ट्वाइस S. दिस इज डायमिथाइल सल्फाइड. ये डायमिथाइल भी सल्फाइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है. नाउ दिस अगेन इज गोइंग टू फॉर्म द मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड. और इसके साथ साथ ये कंपाउंड बना देता है CH3 डबल बॉन्ड O. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डायमिथाइल सल्फ्यूराइल ऑक्साइड. ठीक है, इन शॉर्ट इट इज रिटन एज DMSO, डाई मिथाइल सल्फ्यूराइल ऑक्साइड, DMSO. हाँ, यहां पे हमने वाटर यूज नहीं किया. अब एक चीज देख रहे हो, चाहे हम इस रिएक्शन की बात करें चाहे हम इस रिएक्शन की बात करें, हम यहां पे एक ऐसा सब्सटेंस डाल रहे हैं जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकता है. ठीक है, एंड द सब्सटेंस विच इज गोइंग टू कंज्यूम ऑक्सीजन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर, तो इस रिएक्शन में हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं एंड बिकॉज वी आर यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, दिस इज टर्म्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. दिस इज टर्म्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलिए मैं आपको कुछ कंपाउंड्स लिख देता हूं, आप उन कंपाउंड्स का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दीजिए. ठीक है,
सिंपल कंपाउंड से लेते हैं, पहले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, वी कैन हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वी कैन हैव CH3 CH CH CH3, we can have CH2 double bond CH single bond CH2 double single bond CH double bond CH2. ठीक है, first one, second one, third one, fourth one. Okay, products बना दीजिए. I'll give you a trick. और तब इमीडिएटली बन जाएगा, ठीक है. तो चलिए अब हम ट्रिक की बात करें. जब मैं ट्रिक देता हूं ना तो स्टूडेंट को बड़ा गुस्सा आता है, वो ये सोचते हैं पहले क्यों नहीं दी थी. हाँ, करना क्या है आपको, ये यहां पे डबल बॉन्ड लिखा हुआ है ना, इस कंपाउंड को फिर से लिखो और ये डबल बॉन्ड हटा दो. ठीक है, यहां पर फिर से लिखो डबल बॉन्ड हटा दो, यहां इसे लिखो ठीक है, यहां पर ये आ जाएगा CH2 CH CH2 CH CH2 ठीक है, डबल बॉन्ड्स हमने सारे हटा दिए, बिल्कुल मिटा दिए. ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, जहां से आपने देखो जहां से आपने डबल बॉन्ड हटाया वहां पे कार्बन की वैलेंसी 3-4 की जगह 2 हो गई है. दैट्स अ प्रोडक्ट. बट तो हाइड्रेट बन गया ना, वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा. रिएक्टिव ऑक्सीडेशन करने के लिए कहा है ना आपको. बस अगर इसको वाटर ऐड करते लास्ट वाले को बताओ, करोगे ना जिंक के साथ करोगे ना. आई सेड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. तो हमने इसको वाटर ऐड किया, वाटर ऐड किया लेकिन जिंक के साथ ऐड किया ना, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ऐड किया. श्योर, दैट्स रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. हो गया. चलिए अब मैं आपको कुछ और रिएक्टेंट दे रहा हूं. एक मिनट, अगर ये वाटर, अगर हम बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ना. ओके, नाउ ठीक है, इज दिस क्लियर. नाउ अब मैं आपको कुछ और रिएक्टेंट्स दे दूं. ठीक है,
एक बात का ध्यान रखना, मैंने बीच में सर्कल बनाया है, सर्कल का मतलब है इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इट हैज टू डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो मैं दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के उनके दोनों के ओजोन एनालिसिस करने हैं, तो ये 5 नहीं 10 क्वेश्चन है. डू इट इजिली, ये इजी क्वेश्चंस नहीं है, नाइसली करो हो जाएंगे.